बिग बॉस एक रेस के बहाने से बुलाए हुए कुछ लोगों की कहानी है, तो वो उस कंपटीशन के चक्कर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, धोखा देते हैं, ये कहानी शो ये है। शो रेस का नहीं है, रेस एक बहाना है, एक बैकड्रॉप है जिसके बहाने से हम लोगों को बुला लेते हैं और लोग ये सोच के आते हैं कि मैं रेस में दौड़ने के लिए जा रहा हूं, पर एक्चुअली रेस शो नहीं है, इट्स एन एक्सक्यूज। उस एक्सक्यूज के बेसिस पर लोगों को हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपस में झगड़ें, जो आपस में प्यार करें, जो आपस में रोमांस करें, जो आपस में तकरार करें, ये शो है। तो हमारे सीजन में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ सेलिब्रिटी बिग बॉस होता है, दूसरे देशों में जो बिग ब्रदर है वो एक्चुअली कॉमनर्स का ही होता है और कभी कभार कोई एक आध सीजन सेलिब्रिटी सीजन होता है। तो इनको लगा कि पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं और नखरे भी बहुत सहने पड़ते हैं सेलिब्रिटीज के, तो हमेशा कॉमनर्स की तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब कॉमनर्स वाला किया तो उस साल तो ये पहले से ही बात सेट ही थी कि कॉमनर्स जीतेंगे, बिकॉज अगर वो कॉमनर नहीं जीतते तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट ही फेल हो जाता। करेक्ट। तो और पहले दिन अंदर जाते ही जब उन्होंने उनकी टीम को इंडिया वाले बुला दिया और हमको सेलिब्रिटी, तो वो उसी दिन डिसाइड हो गया ना, क्योंकि इंडिया में इंडिया की वोटिंग पे इंडिया वाले कैसे हारेंगे, कैसा लगेगा। और हमको मतलब अगर वो इंडिया वाले हैं तो हम श्रीलंका से थोड़ी आए थे, मतलब हम भी तो सब भारतीय ही थे। तो वो एक लोगों को मैनिपुलेट करने का जो पहले दिन ही उन्होंने कर दिया था कॉन्सेप्ट, तो उसमें वो एक लॉस्ट, इट वॉज अ लॉस्ट बैटल फ्रॉम डे वन टू बी इन दैट सीजन। तो मैं अगर आपसे ऑनेस्टली कहूँ और बिग बॉस के बारे में मैं बिल्कुल बूफट बोलता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों को ये सब समझने और जानने की जरूरत है, अगर मैं उस सीजन की बजाय किसी और सीजन में जाता तो मुझे भी ज्यादा मजा आता और ऑडियंस भी मुझे ज्यादा एंजॉय कर पाती। जिस सीजन में मैं गया उस सीजन में मैं उनके लिए मुसीबत बन गया था क्योंकि उनकी इस ये जो धारणा और ये जो प्लानिंग थी उसमें मैं सिर्फ अड़चन था। तो आप और मतलब, राहुल देव जी मतलब जो भी वो चाहते थे वो शो के बाद शॉर्टकट होने के बाद कभी होस्ट के थ्रू कभी किसी और तरीके से कभी आपको अंदर बुला के आपको बोलते थे कि आपको ये कीजिए, आप ऐसा नहीं कर रहे, आप वो मैं करता नहीं था और उल्टा मैं बाकी लोगों को उल्टा समझा देता था कि ये बेवकूफी मत करो, कि अगर ये बहुत ही 2 रुपए के कॉफी के सैशे पे तुम झगड़ा करोगे तो तुमको ये उकसाया जा रहा है कि तुम टीवी पर दिखोगे, बट ये मत भूलो कि ये दिखेगा कि ये 2 रुपए की कॉफी के लिए झगड़ा कर रहे हैं और उस 2 रुपए की कॉफी के लिए तुम एक दूसरे को फिर माँ बहन की गाली तक दे रहे हो, मारने तक उतर आए हो, तो वो सोचो कि तुम कैसे लगोगे। ये समझाने वाला जब मैं था तो मैं एक्चुअली उनकी अड़चन बन गया था पूरे शो में। अब हुआ ये कि बाहर ऑडियंस पसंद कर रही थी, वो निकाल भी नहीं पा रहे थे तो फंस गए। पर अगर ये कोई और सीजन होता जहां पर थोड़े और सेलिब्रिटीज होते तो मेरी जो अपनी इंटेलिजेंस है या जो मेरी अपनी जिंदगी जीने की वैल्यू सिस्टम है या ग्रेस है, ये एक्चुअली कॉम्पिटिशन में आती, अड़चन नहीं बनती, मैं वैरायटी बनता, मैं बाकियों से अलग दिखता। इस सीजन में मेरी समझदारी और मेरा सुलझापन सेलिब्रिटी होने के नाते, वो चाहते थे सेलिब्रिटीज एरोगेंट हो, इंडिया वाले जो वो सिंपल लगे, और अगर सेलिब्रिटीज उनसे ज्यादा सुलझे हुए, उनसे ज्यादा ग्राउंडेड, उनसे ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही फॉल फ्लैट कर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी उनके लिए, तो उन्होंने बहुत बहुत उकसाया, बहुत बहुत बोला। जब सरप्राइज एविक्शन हुआ जो सलमान खान के साथ भी नहीं हुआ, एक ऐसा फेयरवेल वीडियो बनाकर आपको साइड से निकाल दिया, तो पीछे से आपको वापस बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे, 10 बार बात हुई और हर बार बात यही हुई कि आप अंदर जाकर क्या आप ये करेंगे, क्या आप इस आदमी से इस बात के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आप इस बारे में कुछ झगड़ा करना चाहते हैं। आपने हर बार मना किया और इसलिए आप वापस अंदर नहीं गए। अब ये सब अंदर की बातें हैं जो मैं आप खुलासे से बोलता हूं क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं, अब मैं बोल सकता हूं। तो यू नो ऑडियंस ये सब बातें नहीं समझती,